हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में कि ये वायरस क्या है, कहां से आया और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले बात करते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस दोस्तों एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से जानवरों में फैलता है, लेकिन ये जो वायरस है जो चाइना से शुरू हुआ है इसका नाम है नोवेला कोरोना वायरस। और ये कोरोना वायरस का सातवां ऐसा वायरस है जो कि जानवरों से इंसान में भी फैल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसके लक्षण हो सकते हैं कि आपको फ्लू हो गया हो या बुखार खांसी हो, इस तरीके के लक्षण अगर आप में हैं तो हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस के लक्षण हैं। लेकिन अभी तक इंडिया में इसका ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन हमारे देश में भी चाइना से, क्योंकि हमारे देश के पास में ही चाइना है तो वहाँ से ये इंडिया में आने की संभावना है। बाकी जैसे कि सिंगापुर, कनाडा, उत्तरी कोरिया और इन देशों में ये फैल रहा है और इस वायरस की वजह से 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ये कैसे फैला इसके बारे में हम बात करेंगे। ये वायरस चाइना के वुहान नाम की जगह से आया है, वो एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर जो ये लाइव स्टॉक वगैरह जो जानवरों को बेचा जाता है, तरह तरह के जानवर, और माना जा रहा है कि ये वायरस सांप या चमगादड़ की वजह से इंसानों में फैला है। तो दोस्तों इसके लक्षण दिखने पर ये हो सकता है कि आपको पता ना चले, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई दवाई भी नहीं बनाई गई है और इसके लक्षण जब तक पता चलते हैं तब तक तो ये जो रोग है वो और हावी हो जाता है। तो इससे बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बचाव के उपाय, अभी इसके लिए कोई दवाई तो नहीं बनी है, बट फिर भी हम इससे बचाव के लिए इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप खाना खाने से पहले एकदम बिल्कुल हाइजीनिक होकर हाथ वगैरह धोकर ही खाना खाएं। कुछ भी आप फल फ्रूट वगैरह सब्ज़ी कुछ भी खाते हैं तो उसे भी अच्छी तरीके से धोएं, और हो सके तो कुछ दिनों तक जो मीट मटन है, चिकन है, उसका प्रयोग ना करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इस वायरस के बारे में पता चल सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।